नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहता हूँ भारत देश की एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड कंपनी, जो कि ग्राउंड पर सर्विस देने का काम कर रही है आज के समय पर पूरे भारत देश में अलग अलग एयरपोर्ट्स पे, और इसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आ गया है। आपको बता दूँ दोस्तों, 1500 से भी ज़्यादा वैकेंसियाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 1500 पोस्ट, इससे भी ज़्यादा वैकेंसियों पर रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है AIASL यानी एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी द्वारा। ये कंपनी कर क्या रही है बेसिकली, ये कंपनी 1500 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर वॉक इन करके आपको ये जॉब देने का काम करेगी। और इस कंपनी ने यहाँ पर, आपको बता दूँ, एयर इंडिया की जो कंपनी है बेसिकली, अब आपको पूरी चीज़ें क्लियर करता चलूँगा, AIASL जो ये कंपनी है, हालांकि एक्चुअल अभी ये डाउट भी चल रहा है कि ये कंपनी प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, आपको जॉब में बताने से पहले क्लियर कर दूं, ये जो कंपनी है इसमें काफ़ी बार इसका जो है चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर आज के समय की बात करूं, करेंटली 2023 के दिसंबर मंथ की, तो ये अभी तो आप ये मान के चलो कि ये कंपनी अभी गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों के बीच में अभी लटकी हुई है, और ये जो है प्राइवेट होने की प्लानिंग की तरफ जा रही है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो फुल्ली ऐसा एम कर रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इसको पूरा प्राइवेटाइज करेगी, यानी कि मीन्स इसका ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी को अब टोटली प्राइवेट करने के चक्कर में है। मतलब अब ये कंपनी जो है एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, आप मान सकते हैं कि आपकी जो आप यहाँ पर वैकेंसी पर जॉब होगी, तो आप अपनी जॉब को प्राइवेट मानना, गवर्नमेंट मत मानना। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वैकेंसियाँ जो निकाली गई हैं, इनमें कहीं भी SC ST OBC कोई रिजर्वेशन किसी कैटेगरी वैकेंसियों का नहीं दिखाया जा रहा है। सिंपल एक ओपन तरीके से बताया गया है कि इसकी ये एलिजिबिलिटी है, ये क्वालिफिकेशंस है, ये सैलरी और बाकी सारी चीज़ें, इन वैकेंसियों के बारे में एज इट इज़ बताया गया है। एक भी चीज़ वहाँ पर SC ST या कैटेगरी से रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये वैकेंसियाँ डायरेक्टली प्राइवेट तरफ को जा रही हैं, यानी कि आप मान सकते हो कि आपकी जॉब प्राइवेट होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, बीच में ये गवर्नमेंट के पास थी ये कंपनी, अभी भी है बेसिकली, लेकिन वो अब धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ शिफ्ट करती जा रही है। तो अभी मैं इसमें कुछ भी ये नहीं कह रहा हूँ, ना ये गवर्नमेंट कह रहा हूँ मैं इस कंपनी को, और ना ही प्राइवेट कह रहा हूँ, लेकिन आप अपनी जॉब को एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय मान के चलेंगे, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब को प्राइवेट मानेंगे। ये चीज़ें सबको आपको ध्यान रखनी होंगी। तो आपके लिए वैकेंसियाँ अलग अलग हैं, देखिए यहाँ पर बहुत तरह की, बहुत ज़्यादा पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई हैं और सबके नोटिफिकेशन अलग अलग हैं। हम सबको डिस्कस नहीं करेंगे, हम दो बड़ी रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। बाकियों के लिंक आपको सभी दिए गए हैं, आप सभी देख पाओगे, आपका जिसमें क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो और आपके पास एलिजिबिलिटी हो, उस पर ही और विद योर इंटरेस्ट आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। मैंने सारे लिंक आपको वीडियो के नीचे दिए हैं, जिसको भी अप्लाई करना है जिस भी पोजीशन पे आप लोग जाओ और अप्लाई कर दो। याद रखिएगा दोस्तों, वैकेंसियों की संख्या 1500 प्लस रहेगी, मींस ये हो जाता है कि 1500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग वैकेंसियों पर, अलग अलग पोजीशंस पर मिलने वाली है। हाँ, अब ये बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये वैकेंसियाँ कहाँ होंगी। बेसिकली लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपको जॉबें मिलने वाली हैं इन पोस्टों पर, ये आपको कहाँ मिलने वाली है। मीन्स कहाँ का मतलब ये है कि जैसे आप जानते हैं, इंडिया में तो बहुत से एयरपोर्ट हैं, स्पेशली अगर AIASL जहाँ पर अपने सर्विस दे रहे हैं उनके भी, वो भी काफ़ी एयरपोर्ट्स पर सर्विस दे रहे हैं, तो उनमें से अगर बात करें तो ये आपकी किन एयरपोर्ट्स पर जॉब रहेगी, ये आपका जानना ज़रूरी रहेगा। और अगर आपके पास वाले एयरपोर्ट्स पे ये जॉब नहीं है, तो आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा जहां पर ये वैकेंसियों का वॉक इन हो रहा है। समझ रहे होंगे सारी बातें मेरी। और मैं इसमें फॉर्म भी आपको बताऊंगा, फॉर्म ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, या फिर फॉर्म कैसे जमा होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारी जानकारियां और फॉर्म का फीस है या नहीं है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा, जिससे कि आप लोगों को सब क्लियर हो सके कि आपको अप्लाई करना है या फिर अप्लाई नहीं करना है। हाँ, तो ये आप वेबसाइट अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हो। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंट्रोडक्शन में आप इस कंपनी के बारे में जानते हो, तो यहाँ लिखा हुआ है एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि फॉर्मली यानी कि पहले इसको एयर इंडिया, अब इसको AI कर दिया बेसिकली। ये अभी अपने आपको एयर इंडिया नहीं कह रहे हैं, ये बेसिकली AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कह रहे हैं। मीन्स इसका ये है कि एयर इंडिया से अब ये अलग हैं, मतलब नोन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड फॉर्म्ड विद एन ए, ये बनाई किस लिए गई, एम है ये एम से कि आपको जो है एक
यूनिफाइड यूनिफाइड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस दे सके, जैसे कि रैंप, पैसेंजर, बैगेज और कार्गो हैंडलिंग और कैबिन क्लीनिंग जैसी चीज़ें दे सके अंडर अ ब्रांड नेम AI एयरपोर्ट सर्विसेज। तो इस वजह से अब ये जो बेसिकली ये कंपनी रहेगी वो AIASL नाम से रहेगी, और ये आपको ग्राउंड पर एयरपोर्ट्स पे, जो ग्राउंड मतलब बेसिकली एयरपोर्ट जो है वो तो ग्राउंड पर ही है, तो वहाँ पर जो सर्विस दे रहे हैं, सपोज पैसेंजर को पैसेंजर का सर्विस देने वाले, रैंप वाले, बैगेज और कार्गो हैंडलिंग जैसे काम जो है वो ये कंपनी आज के समय पर भारत देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर कर रही है। इंडिया ऑफर्स ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज एट मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया, और प्रेजेंटली प्रोवाइड कर रही है ये अपने 82 एयरपोर्ट्स में जो है अपने सर्विस दे रही है कंपनी। और इसके अलावा हैंडलिंग द फ्लाइट्स ऑफ एयर इंडिया, एयर इंडिया की फ़्लाइट्स को और एयर इंडिया एक्सप्रेस के फ़्लाइट्स के अंदर भी ये सर्विस हैंडलिंग का सर्विस का काम दे रही है वहाँ पर भी। और ग्राउंड हैंडलिंग इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड ये 51 फॉरेन स्केड्यूल एयरलाइंस में भी, और 4 फॉरेन स्केड्यूल एयरलाइंस में ये हो जाता है कि ऐसी एयरलाइंस है जो कि 51 है जो कि फॉरेन स्केड्यूल है, मतलब कि वो दूसरे देशों में जाती हैं बेसिकली, और वो स्केड्यूल है कि वो एक फिक्स समय पर जाती हैं, और 4 डोमेस्टिक स्केड्यूल एयरलाइंस और 4 रीजनल एयरलाइंस और 4 सीजनल चार्टर एयरलाइंस और 23 फॉरेन एयरलाइंस अवेलिंग परसिएबल कार्गो हैंडलिंग। तो आप समझ रहे होगे, आप इसमें अगर देखो, अगर इसकी हिस्ट्री देखो इस कंपनी की, तो आपको पता लगता है कि यहाँ पर ये कितने जगह पर ऑपरेट कर रहे हैं, और बेसिकली ग्राउंड हैंडलिंग का काम इनका बेसिकली हमें दिख रहा है, हालांकि ये फ्लाइट्स में भी अपने सर्विस दे रहे हैं। तो आपका काम बेसिकली यहाँ ग्राउंड हैंडलिंग में रहेगा अलग अलग पोस्टों पर। तो ये तो सबको समझ आ गया होगा, बेसिकली यहाँ कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि कंपनी गवर्नमेंट है प्राइवेट है, बट यहाँ पर अगर मेरी मानो तो आप इसको प्राइवेट मान के ही अभी चलना। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे कि आप अगर देखते हो ना वेबसाइट पे करियर्स के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको एक नोटिफिकेशन दिखेंगे, आप देखोगे बहुत सारे नोटिफिकेशन पे न्यू न्यू लिखा हुआ है, तो आप समझ रहे हो कि सभी अभी नए नए आए हुए हैं। अगर बात करें हम जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, हम बेसिकली अभी जो है यहाँ पर एक तो मुंबई एयरपोर्ट वाला डिस्कस करने वाले हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पर ये वाला चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर स्टेशन पे जो निकली हुई है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा एक आपका रहेगा कोचीन, कैलिकट और कन्नूर, कन्नूर स्टेशन पर आप देखोगे तो ये वाला, हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। बता दूँ आपको, आप अगर देखते हैं तो बाकी के भी डेट्स चल ही रहे हैं, आप ये मत सोचना कि बाकियों को डिस्कस नहीं कर रहे तो उनके फॉर्म्स की डेट नहीं है, सभी की डेट है, सभी को इसमें एक एक को चेक करना पड़ेगा खोल कर। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आपको बेसिकली ये तीन के तो नोटिफिकेशन अलग से प्रोवाइड कराए गए हैं, और एक आपको मैंने इस वाला ये वाला लिंक प्रोवाइड कराया है जिससे आप यहाँ से खुद भी सारे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले आ जाते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोचीन यानी कि केरला राज्य की कोचीन जगह की, यानी कि AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जो है, जो फॉर्मली उन्होंने ये भी बताया कि पहले इसका नाम ये था अब ये है, मतलब कि आप इसको एयर इंडिया ना बोलें, इसको AI एयरपोर्ट ही बोलें तो सही रहेगा, इन्होंने अब ये बोलना चालू करा है। इनका सेकेंड फ्लोर जो है, इनका रीजन ऑफिस जो है, मतलब इनका जो ऑफिस है वो सेकेंड फ्लोर GSD बिल्डिंग एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स टर्मिनल सेकेंड IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है। हाँ, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में इनका टर्मिनल सेकेंड पर इनका ऑफिस है। अगर बात करें तो ये 1 दिसंबर का नोटिफिकेशन वॉक इन करा रहे हैं, वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट कोचिन, कैलिकट और कन्नूर एयरपोर्ट पर रहेगा, मतलब आप समझ रहे हो तीन जगह के एयरपोर्ट्स इन्होंने बताए हैं, इन तीनों पर ये वॉक इन रहेगा। अब वॉक इन में होता क्या है सबका जानना जरूरी रहेगा, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जैसे पोस्ट कोचिन के अंदर, कोचिन स्टेशन पर 49 वैकेंसियाँ हैं, कैलीकट में 31 है, कन्नूर में 50 हैं। मैं बात कर लूँ दोस्तों आपका जो वॉक इन रहेगा, बेसिकली आपको इन एयरपोर्ट्स पर जाना पड़ेगा, इन स्टेशन पर, और आपको जैसे सपोज मान लीजिए आप कोचिन वाले स्टेशन पर जाएंगे इन इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप 18 दिसंबर में पहुंचे और सुबह में 9 बजे से 12 बजे के बीच में आपका वॉक इन रहेगा। इन्होंने जगह बताई है श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम नियर वेंगूर दुर्गा देवी टेम्पल वेंगूर और अंगामली एर्नाकुलम केरला, जगह पर आपको जाना है ऑन द मेन सेंट्रल रोड MC रोड 15 1.5 किलोमीटर अवे है ये अंगामली टुवर्ड्स कलाडी,
ये जगह है इसकी तरफ, मतलब कि आप अगर देखोगे तो अंगामली से आपको जो है कलादी की तरफ जो है जाना है, जो कि कलादी की तरफ 1.5 किलोमीटर्स की तरफ जाना होगा, जो कि आप मेन सेंट्रल रोड से होते हुए जाएंगे, और ये आपका रहेगा केरला एर्नाकुलम के पास, आपको यहाँ पर जाना होगा। ये जो केरला राज्य की एर्नाकुलम जगह के अंगामली जगह से होते हुए आपको कलाडी जगह पर पहुंचना होगा, और उस जगह पर श्री जगन्नाथ ऑडिटोरियम में आपको जाना है, और वहां पर आपका ये वॉक इन रहेगा तीनों के लिए ही। आप देखोगे तो कैलीकट में भी आप अगर जाओगे तो सब जगहों का सेम इसी जगह पर केरला में ही यहाँ पर आपका वॉक इन रहेगा। आपको 20 और 22 को जिनको जाना है आप देख सकते हैं, जो इन स्टेशन के लिए जाएंगे उनको इसी दिन जाना है, मतलब ऑडिटोरियम सेम रहेगा लेकिन अलग अलग स्टेशन पर अप्लाई करने के लिए आपको इधर इधर जाना होगा। हाँ, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सारे भारत के लोग, महिला पुरुष सभी लोग हूँ मीट, जो भी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हों वो अप्लाई कर सकते हैं एट कोचिन पर कैलीकट एंड कन्नूर एयरपोर्ट्स के लिए ऑन ए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस। मेनली आपका 3 साल का काम रहेगा, 3 साल कम नहीं होते, अगर आप काम करते रहेंगे तो 3 साल आपके यहाँ पर, 3 साल लाइफ के आपके यहाँ से आराम से यहाँ पर अपना समय आप 3 साल लाइफ के दे सकते हो अपने इस जॉब के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा। मीन्स ये है कि ये 3 साल बाद ये जॉब आपकी नहीं रहेगी, सिर्फ 3 साल के लिए रहेगी, मे बी रिन्यूड सब्जेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस। अगर आपका काम अच्छा लगता है कि आपने 3 साल बहुत सही काम किया है इस कंपनी के लिए बेसिकली, तो ये कंपनी आपका काम, आपका कार्यकाल जो होता है मतलब कि आप काम करते रहो वो और बढ़ाया जाएगा। द नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन बिलो आर इंडिकेटिव एंड मे वेरी एज पर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। तो ये कह रहे हैं वैकेंसी भी चेंज होती हैं, तो अगर ज़रूरत होती है तो और वैकेंसियाँ बढ़ भी सकती हैं। अगर बात करूँ इन वैकेंसियों की, आप तो आप देख लो कि 30 और 40, 78 यानी कि आप देखोगे तो ये 128 वैकेंसी अभी इस नोटिफिकेशन में दिख रही हैं हमें, तो ये वैकेंसी आपकी दिख रही हैं। रिजर्वेशन विल बी एज पर द प्रेजिडेंशियल डायरेक्टिव्स, द एक्चुअल रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी वुड डिपेंड अपॉन द स्टैंड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। के समय बताएंगे कि हाँ भाई हमें रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना, और देना है तो किस किस को देना है बेसिकली, क्योंकि अभी आप इसको ना ही गवर्नमेंट मान सकते ना ही प्राइवेट मान सकते। मैंने अगर बहुत जगह भी देखा तो पता लगा कोई भी ये नहीं बता रहा कि पूरी जो है ये गवर्नमेंटल है या प्राइवेट है, ये कोई भी इस कंपनी के बारे में क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप इसको ये मानो, अगर आपको रिजर्वेशन के फायदे मिल रहे हो तो ले लीजिए, नहीं मिलते हो तो आप सिंपल एक जनरल कैटेगरी के तौर पर आप इस जॉब को ले रहे होगे। बात करें तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है, मोका के अंदर, एंड फॉर्म्ड विद एन, ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्यों बनाई गई कंपनी, बेसिकली काम क्या कर रही है, ये सब आपको पहले ही बता दिया है। विजन आप देख सकते हो, विजन मिशन और प्रोसेसेस, इसके क्या क्या मतलब इनके क्या क्या विजन है, क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली ये कंपनी खोलकर, वो आप देख सकते हो। दूसरा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करूँ तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, 3 साल का ग्रेजुएशन चाहिए होगा, मतलब सपोज आप अगर BBA, BCA, BCOM और BA जैसे कोर्स करे हुए हैं, मेनली 3 साल वाला ग्रेजुएशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों ने +2 +3 वाला पैटर्न फॉलो किया है। प्रेफरेंस जो है दी जाएगी कैंडिडेट को हैविंग गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको ये लोग पहले देंगे, हालांकि ये तो क्लियर ही है जिसके पास एक्सपीरियंस है सपोज, या फिर कोई एयरलाइन डिप्लोमा करा हुआ है, सर्टिफाइड कोर्स करा हुआ है लाइक डिप्लोमा इन IATA, UFTTAA और IATA, और ये सारे कोर्स आपको जो दिखाए गए हैं जिसने ये करा होगा बेसिकली उसको पहले जॉब मिलेगी, बाद में बिना एक्सपीरियंस वाले को जॉब मिलेगी। शुड बी प्रोफिशिएंट इन ऑफ यूज ऑफ PC, आपको कंप्यूटर आना चाहिए चलाना, गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी, हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी से होनी चाहिए लेकिन इंग्लिश एज कम्पेयर टू हिंदी अच्छी होनी चाहिए आपकी, मतलब कि हिंदी से अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए। सैलरी आपको 23,640 रुपये दी जाएगी, जनरल वालों की अपर एज 28 रहेगी तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट, आप देखो रिजर्वेशन यहाँ दिखाए जा रहे हैं एज में, मैं अगर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बेसिकली प्राइवेट कंपनी भी बहुत जगह पर रिजर्वेशन एज में और इन सब में देती हैं, लेकिन मैं अभी बिल्कुल ये नहीं बोल रहा इस कंपनी के बारे में, ना ये गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है कि क्या है, आपको जहाँ फायदे लगे आप वहाँ से लो जॉब। कैंडिडेट जो OBC से आ रहे होंगे उनको 3 साल रिलैक्सेशन रहेगा, जो लोग SC ST से रहेंगे उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे एज में अप्लाई करने के लिए,
तो ये रहेगा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव CSE पोस्ट का। जूनियर CSE के लिए आप देख सकते हो 12वीं पास चाहिए सिर्फ, और इसके लिए आप बाकी एक्सपीरियंस और बाकी सब देख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, नहीं है तो भी आपको जॉब मिलेगी। बेसिकली ये है कि एक्सपीरियंस वाले को पहले देंगे, अगर एक्सपीरियंस वाला फॉर्म भर देता है तो 20,130 रुपये आपको यहाँ पर मिलेंगे। और बाकी आप यहाँ से अपना देख सकते हो। नेचर ऑफ जॉब फंक्शंस आप देख सकते हो कि आपको काम क्या करना है। एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन और एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन और बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शंस, पैसेंजर एज वेल एज एयरलाइंस सेटिस्फेक्शन इन द की ऑफ रिक्वायरमेंट्स। वर्क पैटर्न विल बी 3 शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड 1 वीक ऑफ ऑन रोटेशन वीक्स। मतलब रोटेशन रोटेशन बेसिस, मतलब ये हो जाता है कि हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, ये कभी भी कंफर्म नहीं है कि संडे को ही मिलेगी। रोटेशन वीक मीन्स ये है कि वो घुमा फिरा कर हफ्ता जब भी आता है तो वो एक दिन कोई सा भी हो सकता है, तो एक हफ्ते में एक छुट्टी यहाँ पर कन्फर्म्ड है। नाइट शिफ्ट आपको करनी पड़ सकती है, 3 शिफ्टें लगेंगी आपकी, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट, ये तीनों आप मान के चल सकते हो पूरे 24 आवर्स के बीच में। और मैं आपको बता दूं इस तरीके से रहेगा वर्क पैटर्न आपका, और आपको काम क्या करना है, पैसेंजर का चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन चेक करना, ये सारी चीज़ें आपको करना है। पैसेंजर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि पैसेंजर सेटिस्फाई हो जो भी ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, ये चीज़ें आपके काम रहेंगे। कैरियर प्रोग्रेशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड नंबर ऑफ ईयर्स, और एंटाइटल फॉर कैजुअल लीव्स आपको मिल जाएंगी, सिक लीव होती है अगर सिक लीव होगी तो वो मिलेंगी, और EPFO प्रोविडेंट फंड जैसी चीज़ें मिलेंगी अगर आपको यहाँ पर आपके पोस्ट में है। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिकली आपके काम और आपके बेनिफिट्स के ऊपर हो गई। जो लोग 1 दिसंबर को ये चीज़ें फुलफिल कर रहे हैं, चाहे एज में क्वालिफिकेशन, वही लोग फॉर्म भरेंगे। आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन पर्सन टू द वेन्यू ऑन द डेट। आपको करना है क्या है, आपको जाना है इस जगह पर और वहाँ पर आपको बताना है। आपका बेसिकली एक कम्युनिकेशन होगा, आपसे बातचीत होगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और फिर आपको इस तरीके से जॉब दे दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल है, यहाँ पर होगा क्या, पर्सनल एक वर्चुअल इंटरव्यू रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। एक कंपनी एज इट डिस्क्रिशन में इंट्रोड्यूस्ड ग्रुप डिस्कशन, वो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है आपका रहेगा, सेम दिन जो आपको दिन दिया गया ऊपर, उस दिन आप जाएंगे इन जगहों पर और आपका जो है इंटरव्यू हो लेगा, और उसके बाद आपको ये जॉब मिलेगी, इस तरीके से मिल जाएगी। एडवाइस टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट। अब देखिए आउट स्टेशन मीन्स ये हो जाता है, सपोज मान लीजिए आप केरला जगह नहीं रहते, केरला राज्य में नहीं रहते, जहाँ ये बुला रहे हैं वहाँ नहीं रहते, उसके बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। सपोज मान लीजिए आप दिल्ली से जा रहे हैं, पंजाब से जा रहे हैं, आप जो है तमिलनाडु से जा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों को यही करना है, अपने खुद के बिहाफ पर जाएंगे वो, जा सकते हैं, वो लोग एलिजिबल हैं, पूरे इंडिया के सभी लोग एलिजिबल हैं इस जॉब पर। हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता दूँ, आपको इसमें करना क्या है, हाँ देखिए जो लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं क्वालिफिकेशन से, वो विद द एक्सपीरियंस अपना ड्यूली फिल्ड इन एंड कॉपी ऑफ द टेस्टिमोनियल्स सर्टिफिकेट्स एज पर अटैच्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट विद दिस एडवर्टाइजमेंट एंड नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ बाय मीन्स ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ पेबल एट मुंबई, नो नो फीस आर टू बी पेड बाय एक्सेल। देखिए यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वालों को फीस पे नहीं करनी है, जो लोगों को फीस पे करनी है 500 रुपये फीस पे करेंगे, और अपना नाम, मोबाइल नंबर अपना जो है लिख देंगे डिमांड ड्राफ्ट पर, और डिमांड ड्राफ्ट पर एप्लीकेशन सबमिट करके इसको जो है आप भेज देंगे बाय पोस्ट या जैसे भी आपको भेजना है। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, इसको भेज दोगे। बेसिकली ये पेबल एट मुंबई, मुंबई मुंबई के वहाँ पर पे होना चाहिए ये, और ये 500 रुपये हर कैंडिडेट को पे करने, रिजर्व कैटेगरी वालों को पे नहीं करने। फॉर्म के साथ एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज ये सारी लगाकर आपको सबमिट करनी है डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा। और दूसरा, इसमें आपको जब आप वॉक इन के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस दिन भी हार्ड सबकी एक ओरिजिनल कॉपीज को लेकर जाना होगा। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या रहेंगे इंटरव्यू में अपियर होने के लिए, एक रिसेंट फोटो, 3 महीने से पुरानी ज़्यादा ना हो, और ये सारी जानकारी आप देख सकते हो, ये सारे आप लेकर जाओगे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे। जनरल कंडीशंस कुछ दिए गए हैं, आपको अगर रीड करने हो आप रीड कर सकते हो इन सबको।
हाँ डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट लिखे हैं कि भाई कैंडिडेट का किन किन केसों में सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है। अब मैं आपको फॉर्म का फॉर्मेट दिखा दूँ, ये आपका इस तरीके का फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर अपना फोटो चिपका देना इस तरीके से, पहले इसको प्रिंट लेके इसका यहाँ पर फोटो चिपकाया, किस पोस्ट पे अप्लाई किया, स्टेशन सिलेक्ट कर लिया जिसमें आपको लेना है जॉब, सारी चीज़ें आपको इस तरीके से सारा भर देना है। पूरा आप सारा भरोगे, कैटेगरी वाला यहाँ पर आप ये बताओगे कि 10th कौन से यूनिवर्सिटी से किया, किस महीने में कंप्लीट किया, कितने परसेंटेज आए, कितने समय का था वो 10th 12th जो भी था, सपोज 10th 1 ईयर का होता है, 12th 1 ईयर का होता है, तो ये सब आपको बताते जाना है। बताना है कि इंग्लिश हिंदी आपको आती है पढ़ना लिखना बोलना या नहीं, सेम हिंदी लोकल लैंग्वेज जो आपकी कोचिंग जगह पर रहेगी। आप केरला की देखो, जगह जगह की देखो, यहाँ पर स्टेशंस के पास कौन सी ऐसी भाषाएं जो है बोले जा रही हैं, ये सब अगर आपको आती है इसमें टिक करते हो चलेंगे आप सभी लोग। इस तरीके से सारा पूरा भर लिया जाएगा आपके द्वारा और डिक्लरेशन हो जाएगा, उसके बाद प्लेस आपका रहेगा, सिग्नेचर आपके और डेट, ये डालने के बाद ये फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा। याद रखिएगा आपको फॉर्म के साथ जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, फीस का एक फीस रिसिप्ट, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, 10th 12th सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट्स, डिग्री एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको लगानी जरूरी रहेंगी और ये सब आपको यहाँ पर टिक कर देना है जो भी आप दे रहे हो, और इस सबको आपको पोस्ट कर देना है। और याद रखिएगा जो डेट आपको बताई गई है ना, 18 दिसंबर से पहले वहाँ पर ये चीज़ पहुँचनी चाहिए और 18 दिसंबर को आपको वहाँ पहुँचना होगा जिस जगह ये बता रहे हैं टाइमिंगली, तो इस तरीके से आपको जॉब मिलेगी। OBC कास्ट फॉर्म ये हो जाएगा, ये कास्ट फॉर्म आप लोग दे सकते हो। SC ST का फॉर्म ये रहेगा और EWS वालों का फॉर्म ये रहेगा। सभी को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, कोई एग्ज़ाम नहीं है कुछ नहीं है, सिंपल इंटरव्यू लेकर आपको ये जॉब दे दी जाएगी अगर आप 12th पास हो या ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में। तो ये आपकी ये दोनों पोस्ट हो गई। सेम मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर एक ये थोड़ा बड़ा रिक्रूटमेंट रहेगा, ये 5 दिसंबर को आया था, इसमें आपका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये कह रहे हैं के लिए वॉक इन हो रहा है, और इसमें कह रहे हैं हमें डिप्टी मैनेजर रैंप या फिर डिप्टी मैनेजर मेंटेनेंस पोजीशंस पे चाहिए, 7 लोगों को चाहिए। डिप्टी ड्यूटी मैनेजर, अब आ जाता है ड्यूटी मैनेजर रैंप, 28 लोग चाहिए। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल 24 लोग। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव हमें 138 चाहिए। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर हमें 167 चाहिए। ये हमें मुंबई मुंबई स्टेशन के लिए चाहिए। अगर बताऊँ तो भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के एयर स्टेशन पर, एयरपोर्ट या स्टेशन आप कह रहे हो, वहाँ पर ये आपको वैकेंसी देखें, वहाँ पर ये सभी लोगों को जॉब मिल जाएगी जिनकी वैकेंसियाँ दिख रही हैं। आपको बता दूँ 18, 19, 20 तारीख में ही सेम 9:30 से 12:30 बजे यानी कि 9:30 से 12:30 के बीच आपका यहाँ पर वॉक इन चल रहा होगा, बेसिकली इंटरव्यू चल रहा होगा। ये आपका GSD कॉम्प्लेक्स नियर सहर पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल सेकेंड गेट नंबर 2 सहर अंधेरी ईस्ट मुंबई जगह पर रहेगा। सब लोग यहाँ पर पहुँच जाना। और मैं आपको बता दूँ सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आपको 178 दिख रही है जैसे, तो ये जो बाकियों की पोस्ट अभी दिख रही हैं सीरियल नंबर 11 से जो स्टार्ट हो रही हैं, इन सब का 21st 22nd दिसंबर 23rd इन दिनों आपका सेम इसी जगह पर वॉक इन होगा, तो सभी लोग उस तरीके से जा सकते हैं। तो आप देखोगे ये वैकेंसियाँ टोटल अगर बात करें तो ये वाली टोटल वैकेंसी आपकी 8,000 से भी 800 सॉरी 8,000 बोल दिया मैंने, 800 828 प्लस हैं, 828 वैकेंसी ये टोटल हैं जो कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं, और 128 वैकेंसी आपको इसके पीछे वाले नोटिफिकेशन में दिखाई गई थी। तो आप अगर देखो तो ये 956 वैकेंसियाँ टोटल हो गई हैं, और इस तरीके से 4-5 और नोटिफिकेशन हैं, तो टोटली आप कह सकते हो कि 1,500 प्लस वैकेंसियाँ टोटल यहाँ पर हैं। सभी लोग भारत के लोग फॉर्म भर सकते हैं। छत्रपति, अब देखिए मैं आपको बता दूँ, ये कह रहे हैं हु मीट विद द रिक्वायरमेंट मे अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट एट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ये एक फिक्स्ड टर्म, आपका भी 3 साल का काम रहेगा, 3 साल की जॉब रहेगी यहाँ पर सभी की इन पोस्टों पर भी। अब मैं आपको क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, डिप्टी मैनेजर में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी फील्ड से, विद 28 साल विद 18 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, 18 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, या फिर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग करा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और 18 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भरो। किसी ने इंजीनियरिंग या MBA करे हुए हैं और 15 साल का एक्सपीरियंस है तो भी वो फॉर्म भर सकते हैं। सभी लोग यहाँ से देख लेंगे, 18 साल एक्सपीरियंस मिनिमम मांगा जा रहा है यहाँ पर, 60,000 रुपये सैलरी देंगे हर महीने। 55 साल के मैक्सिमम कैंडिडेट तक को जॉब मिलेगी, मतलब 55 बिलो
55+ को नहीं मिलेगी, सेम 55+ को तभी मिलेगी अगर वो किसी रिजर्वेशन में है। क्या काम रहेगा आपकी पोस्ट का आप देख सकते हो, सुपरविजन ऑफ एंटायर रैंप ऑपरेशन इन द शिफ्ट, कोऑर्डिनेशन विद एयरलाइंस एंड गेट देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर GSE एंड मैन पावर, शैल बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर द सेफ्टी ऑफ रैंप ऑपरेशन इन द शिफ्ट, एंश्योर दैट की ओनली ट्रेंड और ऑथोराइज एंड क्वालिफाइड पर्सोनल्स हैविंग वैलिड परमिट आर परमिटेड टू ऑपरेट GS इक्विपमेंट, एंश्योरिंग शिफ्ट रिपोर्ट्स डिले समरी एंड एंश्योर ऑल फ्लाइट्स हैंडलिंग रिपोर्ट्स। ये सारे काम आपके होंगे बेसिकली, आप देख सकते हो आपका काम क्या होगा। तो सेम पोजीशन आप देख रहे हो ड्यूटी मैनेजर रैंप में, अगर आप देखो तो इनका भी ग्रेजुएट होना 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ इनको जॉब मिलेगी, 45,000 इनकी सैलरी रहेगी, अपर एज 55 होगी। बाकी आप सब देख सकते हो इनके भी जॉब रोल, इनको क्या काम करने होंगे। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की आप वैकेंसी देख आपने ऊपर देख लिया था, क्वालिफिकेशन सैलरी और एज आप देख सकते हो। इन्होंने रिलैक्सेशन अगर दिया है तो कुछ पोजीशंस पे नहीं भी दिया है, कुछ पे दिया है। देखो जिन पे इन्होंने जिन पोस्टों पर इन्होंने रिलैक्सेशन एज में दिया है ना, उन्होंने साफ टेबल में उसके बारे में दिया है किसको किसको रिलैक्सेशन मिल रहे हैं। हर पोस्ट पर नहीं होंगे, जैसा आप देख भी रहे हो ऊपर कुछ पे नहीं था यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा कि आपको क्या सर्विस देना है और क्या काम करना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, एक लाइसेंस होना आपके पास जरूरी है और आपकी सैलरी और आपको एज आपको यहाँ से दिख रही होगी 18 मैक्सिमम रहेगी, 28 मैक्सिमम होगी। ओबीसी वालों के लिए 31 मैक्सिमम होगी। तो सभी लोग देख लेंगे अपना काम, देख लेंगे बेसिकली कि आपको करना है क्या उन पोस्ट पर काम। तो इस तरीके से रहेगा, हम थोड़ा आगे आ जाते हैं इन सबको हटाते हुए। सभी लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर रीड करते हुए चल देना। अब ये आपको दिखा दूँ, ये आपका फॉर्म ये वाला रहेगा, आपको इस वाले फॉर्म को भरना है। सपोज आप अगर सिलेक्शन प्रोसीजर, अगर आप इस वाले पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, सिंपल आपका इंटरव्यू होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरे पोस्ट में भी आप कह रहे हैं ट्रेड टेस्ट कंप्राइज ऑफ ट्रेड नॉलेज और ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग वालों के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा, याद रखिएगा ड्राइवर पोस्ट के लिए ड्राइविंग वाला होगा। तो हाउ टू अप्लाई, अब मैं आपको अप्लाई के लिए बताऊँगा। और याद रखिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ड्राइविंग वालों के लिए भी ड्राइविंग टेस्ट रहेगा। इसका मतलब ये है कि कोई रिटर्न एग्ज़ाम ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई में आप याद रखें, ₹500 पेमेंट करके फॉर्म भर के सबमिट करके डिमांड ड्राफ्ट कर दो और ये इस डेट से पहले वहाँ पर पहुँच जाए मुंबई में। इसके अलावा आप एक इसका प्रिंट ले लेना फॉर्म का, इसके अलावा सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर इन दिनों पर आप मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो ये लोकेशन बता रहे हैं वहाँ सभी लोग पहुँच जाएँ, इंटरव्यू दें और अपना इस जॉब को ले लें। हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट रहेगा, जनरल कंडीशन आप लोग रीड कर लेना। और इसके अंदर ये पूरा फॉर्म है, आपको इस तरीके से भरना है कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी से हो, क्या एड्रेस है, सारी जानकारी आपको यहाँ भर देनी है और सब पे टिक करते हुए जाना है कि हाँ भाई हमने ये चीज़ें दे दी और उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर दोगे। कास्ट फॉर्म देख लो, ओबीसी वालों का ये है और इसके बाद SC ST का ये रहेगा और EWS का ये रहेगा। तो सभी को अपने फॉर्म भी दिख गए होंगे कास्ट वाले, तो इस तरीके से आपका रहेगा। अब आपके थोड़ा आगे बढ़ें तो ये आपकी देखोगे तो चेन्नई मदुरई तिरुची और कोयम्बटूर में भी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे भी वैकेंसियां हैं, ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर और काफ़ी वैकेंसी आपको यहाँ दिखेंगी। इनका वॉक इन एंड में होगा, मतलब इनका बाद में हो रहा है, 26th of December में रहेगा। आप इसमें आप देख सकते हो आपको इसमें जाना होगा, चेन्नई में जाना होगा, लैंडमार्क यहाँ पर नियर ताज कैटरिंग के पास यहाँ पर आपको जाना होगा, जो कि चेन्नई जगह पर जाना है। तो सब लोगों को यहाँ पे समय से पहुँचना है और इस तरीके से अपने वॉक इन देकर इन जॉब्स को लेना है। हाँ, याद रखिए ये, इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये ऑलमोस्ट सारे ही 3 साल के जॉब हैं, मीन्स ये है कि 3 साल के बाद आपके काम के ऊपर ये लोग अपने आपके जो वर्क रहेगा उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए आपका काम यहाँ सही नहीं लगा तो 3 साल के बाद आपको कहीं दूसरी जगह जॉब ढूंढनी है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। अभी इसके लिए भी आप सभी लोग रीड कर लेना, इस वाले में भी सेम रहेगा, वही क्वालिफिकेशन फॉर्म और वो सारा कुछ। हाँ, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखिए एक पोस्ट से ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं सपोज मान लीजिए, तो आप ये याद रखिए आपको वॉक इन वाले समय पर उधर पहुँचना जरूरी रहेगा। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है आप एक से ज़्यादा पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको समय से वहाँ पर वॉक इन के लिए पहुँचना होगा जिस भी डेट पर बुलाया जा रहा है, और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर आपके पास है तो आपको सेपरेटली सबके फॉर्म भरकर डिमांड ड्राफ्ट करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें सबको क्लियर हो रही होंगी, आप इस तरीके से कर सकते हो एक से ज़्यादा पोस्ट पर भी। फीस पे करोगे
सबके लिए अलग अलग, सबका अलग अलग प्रोसेस फॉलो करोगे। डिमांड ड्राफ्ट भी आपको जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सो मेरे को ऐसा उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये सारी जानकारी समझ आई होंगी। कोई ऐसा पॉइंट इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में लगा हो जॉब के बारे में जो समझ नहीं आता है कमेंट में बताइए, और इस जानकारी को देश विदेश एवं पूरे भारत देश में एक एक गली मोहल्ले जिले तक और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए। मैं आपसे मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।